खंडवा से है जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध हथियारों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वन प्राणियों का शिकार करते थे आरोपी, शिकारी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं 5 आरोपी। मामले की जांच में जुटी हुई है मुगट थाना पुलिस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध हथियारों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के हाथ यह बड़ी सफलता लगी है और साथ ही वन प्राणियों का शिकार करते थे ये सभी आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रही है। शिकारी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं 5 आरोपी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मामले की जांच में मुगट थाना पुलिस जुटी हुई है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध हथियारों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये हथियार आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल किया करते थे ये आरोपी, वन प्राणियों का शिकार करते थे ये आरोपी। लंबे समय से पुलिस को इन आरोपियों की तलाश थी और पुलिस के हाथ अब जाकर यह बड़ी कामयाबी लगी है, बड़ी सफलता लगी है जहां पर इन आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया गया है। अवैध हथियारों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इमरान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी? इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से इमरान से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पुलिस के हाथ यह बड़ी कामयाबी लगी है। अवैध हथियारों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हथियार ये वन प्राणियों का शिकार करने के लिए किया करते थे। अब तक कितने वन प्राणियों का ये लोग शिकार कर चुके हैं, साथ ही इनका शिकार कर जो भी उनके शरीर के अंग थे उन्हें बेचा करते थे, कहां बेचा करते थे, इनका सरगना कौन था, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अब जल्द ही साफ हो जाएंगे। मामले की जांच में हालांकि पुलिस जुटी हुई है, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से इन आरोपियों की फिराक में थी पुलिस और अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अवैध हथियार के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने। वन प्राणियों का ये लोग शिकार करते थे। ज्यादा जानकारी के साथ इमरान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इमरान, क्या जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अभी आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि खंडवा में कल देर रात 2 थाना पुलिस की मदद से मोगर थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपियों के पास से 12 बोल की 5 बंदूकें जो है पुलिस ने जब्त की है और 10 जिंदा कारतूस भी जो है पुलिस को इनके पास से जब्त हुए। देखिए, जब्त किए गए अवैध हथियारों की कीमत करीब 1,42,000 रुपए बताई जा रही है। देखिए, शुरुआती पुलिस जांच में ये पाया गया है कि जो अवैध हथियार है उसका उपयोग वन प्राणियों की हत्या करने के लिए, उनके शिकार के लिए जो है ये किया करते थे। देखिए, लगातार खंडवा पुलिस अवैध हथियार रखने वाले और ऐसे शिकारियों पर जो है आचार संहिता लगने के बाद से लगातार पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। देखिए, कुछ दिन पूर्व की मैं अगर बात करूं या कुछ दिन पीछे आपको ले जाऊं तो करीब खंडवा पुलिस ने ऐसे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और इनके पास से अवैध 20 हथियार जो है पुलिस ने पकड़े थे। बताया जा रहा था कि बड़े पैमाने पर जो है जंगलों में ये वन प्राणियों का शिकार करते थे। देखिए, उनके पास से लगातार मोगट थाना पुलिस जो है जांच कर रही थी और जांच में अब जो है खंडवा जिले के और भी जो है नाम सामने आने लगे। इसी कड़ी में देखिए 5 आरोपियों को जो है रोशनी, हालवा और पिपलो थाना पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। देखिए, इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये अवैध हथियार इनके पास से इतनी मात्रा में कहां से आ रहे हैं, किन वन प्रणालियों का ये शिकार करते थे, इनका क्या और उपयोग किया जाता है, तमाम बड़े सवाल। और जिस तरह से वन प्राणियों की ये लोग शिकार करते थे उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।